हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। क्या हुआ जब राबड़ी देवी के सामने पहुंचे तेज प्रताप? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? माँ से मुलाकात के बाद क्या मान जाएंगे तेज प्रताप? तलाक की अर्जी के बीच शादी समारोह में तेज प्रताप। 2 नवंबर को कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के बाद से ही तेज प्रताप करीब 1.5 महीने से अपने परिवार से दूर हैं। पटना में होने के बाद भी अपने घर तक नहीं गए हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब तेज प्रताप का सामना मां राबड़ी देवी से हो गया। ये मौका तब आया जब तेज प्रताप पटना में ही अपने मौसेरे भाई अरुण की शादी में शामिल हुए। यहां उनकी मुलाकात मां राबड़ी देवी से हुई। यह शादी समारोह पटना के दरोगा राय पथ स्थित एक कम्युनिटी हॉल में हो रहा था, जिसमें राबड़ी देवी तेजस्वी यादव के साथ पहुंची थी। यहां राबड़ी तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप के ससुर और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय भी मौजूद थे। तेज प्रताप इस शादी समारोह में आकर्षण के केंद्र में थे। यहां उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाकात की, लेकिन ससुर से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान राबड़ी देवी और तेज प्रताप के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि उनके बीच क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इससे पहले कई दफे मां राबड़ी देवी ने फोन पर तेज प्रताप से बात की थी, लेकिन घर से जाने के बाद यह पहला मौका था जब मां और बेटे मिले। हालांकि पिछले महीने राबड़ी देवी जब एक केस के सिलसिले में पेशी के लिए दिल्ली आई थी, तो ऐसी खबरें थी कि मां बेटे के बीच मुलाकात हो सकती है, लेकिन बाद में मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई। खबर है कि तेज प्रताप जब तक समारोह में रहे, वो न तो तेजस्वी और न ही अपने ससुर चंद्रिका राय से मिले। शादी की रस्म पूरी होते ही तेज प्रताप शादी समारोह से निकल गए। बीते 2 नवंबर को पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद वो घर से दूर हैं। पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी सहित पूरा परिवार तलाक के मामले में उनके खिलाफ है। इससे नाराज होकर घर से दूर काशी वृंदावन गए। तेज प्रताप के तलाक के मुकदमे की पहली सुनवाई के दिन पटना लौटे तो उम्मीद जगी कि वे अब घर में रहेंगे, लेकिन तेज प्रताप पटना में रहकर भी घर से दूरी बनाए हुए हैं। इस बीच उन्होंने सरकार से अपने लिए अलग बंगले की मांग की है। शनिवार रात मां राबड़ी देवी से मुलाकात के बाद रविवार को तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि घर व बाहर की लड़ाइयां अलग अलग हैं। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है। तेज प्रताप फिलहाल परिवार के पास लौटने की संभावना से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जनता का हाल जानना है। तेज प्रताप ने कहा कि वे वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से वरदान लेने गए थे। दुश्मनों के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया है, अब युद्ध का ऐलान हो गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया है और युद्ध में सांप्रदायिक ताकतों की हार और आरजेडी और महागठबंधन की जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।